130,000 दर्शकों से खचाखच भरा हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसमें 2023 का विश्व कप खेला गया और यह उम्मीद लगाया जा रहा था कि भारत इस बार विश्व कप आसानी से जीत लेगा, क्योंकि भारत ने अपने सभी के सभी 10 मैच जीत के फाइनल में पहुंचा था। लेकिन उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के एक छोर पर जमे रह गए और उन्होंने शतक लगा दिया और भारत की बल्लेबाजी भी उतनी कुछ खास नहीं रही फाइनल मैच में, जिसका नतीजा ये हुआ कि फाइनल मैच इंडिया हार गई और 130,000 दर्शक उपलब्ध थे स्टेडियम में। सबकी आंखों में आंसू थे और यह एक सपना था जो टूट गया, क्योंकि यह सबसे दुखद बात यह है कि इस टीम में जो कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अगला विश्व कप नहीं खेल सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी था विश्व कप जीतना। और भारत जिस तरीके से शानदार फॉर्म से इसने स्टार्टिंग किया था कि इन्होंने लगातार 10 मैच जीते थे, तो यह बिल्कुल उम्मीद हो गया था कि भारत यह फाइनल मैच आसानी से जीत जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने यह फाइनल जीत लिया। खिलाड़ी थे काफ़ी मायूस हो गए और ड्रेसिंग रूम में काफ़ी गम का माहौल था, लेकिन उसी बीच एंट्री होती है अपने देश के पीएम नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने जाकर ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के साथ दुख बांटा और उनको हौसला अफजाई किया और उनकी पीठ थपथपाई और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, यह खेल है और आप लोगों ने बहुत अच्छा खेल खेला, आप लोग 10 मैच लगातार जीतने के बाद यहाँ पर आए हैं। तो अगर हम बात करें कौन सी टीम सबसे बेस्ट है, तो ऑस्ट्रेलिया जो सिर्फ 9 मैच जीतकर ही वर्ल्ड कप जीत गई और विश्व चैंपियन बन गई, वहीं लगातार 10 मैच जीतने वाली भारत की टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो भारत लगातार 10 गेम जीतकर यहां पे आए थे, इसलिए भारत सर्वश्रेष्ठ टीम रही इस वर्ल्ड कप का। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत के नाम ट्रॉफी नहीं आया, फाइनल में भारत हार गया था। तो पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों के साथ मिलकर उनका हौसला अफजाई किया, सबकी पीठ थपथपाई और उन्होंने मोहम्मद शमी की जमकर तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, साथ में बुमराह और जडेजा और फिर भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ से भी उन्होंने बात की और कहा कि आप लोग बहुत अच्छा खेले हैं और मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं दिल्ली में, जब कभी आप फ्री हों तो दिल्ली आइए और मेरी तरफ़ से आपको निमंत्रण है, आप वहाँ निमंत्रण स्वीकार करिए। तो इस तरीके से इस दुख की घड़ी में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने टीम के साथ अपने विचार साझा किए और उनकी हौसला अफजाई किया ताकि भारत आगे आने वाले विश्व कप की तैयारी कर सके और अच्छा परफॉर्म करे, जो कि भारत ने किया है। तो उम्मीद करता हूँ प्रधानमंत्री जी के इस हौसला अफजाई से खिलाड़ियों का कुछ दुख हल्का हुआ होगा और वह आगे बढ़ने के लिए फिर से तैयार होंगे, फिर से एक नया इतिहास लिखने के लिए। आप भी अगर भारतीय टीम को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाएँ। थैंक्स।